हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। अगर हायर मैथमेटिक्स के साथ किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है स्टूडेंट। यहाँ पे जो आईटेब है यहाँ पे जाके मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं स्टूडेंट। मैंने अभी नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जहाँ पर मैं सीएसआईआर नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पूरा वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, जहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं सॉल्व करा रहा हूँ स्टूडेंट। अगर आप लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स किसी भी सब्जेक्ट के साथ अगर आप सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसका पार्ट ए अगर आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है स्टूडेंट। जो आईटी बारा यहाँ पे जाके मेरे प्रीवियस क्वेश्चन जो है वीडियोज बना रखे हैं, लाइक न्यूमेरिकल एबिलिटी है, देन उसके बाद मैंने ज्योमेट्री है, देन उसके बाद मैंने प्रोबेबिलिटी एंड अरेंजमेंट है, उसके बाद स्टूडेंट डेटा इंटरप्रिटेशन है और भी बहुत सारे वीडियोज यहाँ पे अपलोडेड है। तो यहाँ पे आईटी पे जाके आप मेरे वीडियोज को देख सकते हैं स्टूडेंट। आज मैं आप इस डेटा इंटरप्रिटेशन का एक टॉपिक और लेने वाला हूँ जिसमें 2016 में जो आए हुए क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे दिसंबर 2016 में आए हुए जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे क्या बोल रहा है, बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सर्फेस एरिया ऑफ द अर्थ एट द डिफरेंट एलिवेशन एंड द डेप्थ विद द रेफरेंस टू द सी लेवल राइट शॉन इन द फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा गलत है राइट right? तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको देख के टेबल बनानी पड़ेगी राइट right? तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है पूरा चार्ट बना हुआ है। इस चार्ट को थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ, इस चार्ट में क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो स्टूडेंट मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखता हूँ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं एक्चुअली मेरे पास थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम है तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि अलग कलर से मैं आपको दिखाऊँ सो देट कि आपको ये चीज़ यहाँ पे दिखे राइट right? तो स्टूडेंट यहाँ देखिए आप मैं इसको यहाँ पे इरेज कर देता हूँ राइट हाँ जी। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे एलिवेशन, स्टूडेंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सो ये लिखा हुआ आपके पास एलिवेशन राइट है ना, और यहाँ पे इसके बारे में दे रखा है कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ राइट। स्टूडेंट एलिवेशन, एलिवेशन की बात करते हैं तो एलिवेशन सबसे पहले क्या कर रखा है, एट है ना, सबसे पहले एट। तो यहाँ पे जो सी एफ दे रखा है वो जीरो दे रखा है। स्टूडेंट बात करेंगे सिक्स टू एट है ना, सिक्स टू एट राइट, सिक्स टू एट में भी जीरो दे रखा है ना, यहाँ पे जीरो ही है ना। स्टूडेंट जब एलिवेशन की बात करें यहाँ पे तो ये आएगा हमारे पास फोर टू एट, क्योंकि चूंकि सी एफ दे रखा है तो फोर टू एट है ना, ये फोर टू एट है ना, तो लगभग वन के आसपास दिख रहा है ये। स्टूडेंट बात करेंगे यहाँ पे फोर टू एट के बाद बात करेंगे टू टू एट, तो स्टूडेंट टू टू एट दो से आठ की बात करेंगे तो दो से आठ के बीच में दस दिख रहा है यहाँ पे, ये दस है ना, सो दस है यहाँ पे क्लियर, टेन है ओके। स्टूडेंट यहाँ बात करेंगे जीरो टू एट, सुनिए सी लेवल है, ये क्या है हमारे पास सी लेवल है राइट है ना, ये सी लेवल है राइट। तो जीरो टू एट जो है, जीरो टू एट हमारे पास कितना है सुनिए, थर्टी है राइट, कितना है सुनिए, थर्टी है राइट। अब बात करेंगे माइनस टू टू एट, सो माइनस टू टू एट में बात करेंगे तो कितना है सुनिए यहाँ पे, ये हमारे पास फोर्टी राइट। स्टूडेंट हम बात करेंगे माइनस फोर टू एट राइट, सो माइनस फोर टू एट में कितना है सुनिए यहाँ पे, ये देखिए फिफ्टी आ रहा है ना। स्टूडेंट देखिए अब बात करेंगे माइनस सिक्स टू एट राइट, सो माइनस सिक्स टू एट में यहाँ पे लगभग ये आ रहा है ना, दैट इज सेवेंटी। स्टूडेंट बात करेंगे हम माइनस एट टू एट, सो माइनस एट टू एट में कितना आ रहा है स्टूडेंट यहाँ पे, माइनस एट टू एट लगभग मान के चलिए ये माइनस एट आ रहा है ना, तो माइनस एट टू एट में लगभग यहाँ पे आ रहा है नाइन्टी फोर है ना, नाइन्टी फोर मान के चलिए है ना। स्टूडेंट बात करेंगे माइनस टेन टू एट, तो माइनस टेन टू एट लगभग यहाँ आ रहा है तो 98 मान लीजिए, यहाँ मान के चलिए 98 के आसपास आ रहा है राइट। स्टूडेंट यहाँ पे आ रहा है माइनस ट्वेल्व टू एट है ना, तो माइनस ट्वेल्व टू एट, ये माइनस ट्वेल्व टू एट पर 100 आ गया राइट। तो चूंकि कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी है तो आप समझ सकते हैं उसको। अब एक एक ऑप्शन यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं राइट। तो देखिए लार्जेस्ट प्रपोर्शन ऑफ द अर्थ इज बिलो सी लेवल, आपसे पूछा जा रहा है कि जो हाइएस्ट प्रपोर्शन है वो सी लेवल के नीचे। तो स्टूडेंट सी लेवल के नीचे देखो यहाँ पे सी लेवल है, स्टूडेंट यहाँ से बात करते हैं डेप्थ है, ये जो दे रखी है डेप्थ की बात कर रहा है ना, चूंकि नेगेटिव आ रहा है ना, और सुन ये एलिवेशन की बात कर रहा है, दिस इज अबाउट द एलिवेशन एंड दिस इज अबाउट द डेप्थ क्लियर है, ये डेप्थ की बात हो रही है यहाँ पे राइट। तो डेप्थ में देखेंगे तो डेप्थ देखो ऊपर कितना है 30% है, अरे भैया 30% है ये है ना, और नीचे कितना आएगा 70%, तो बिल्कुल सही बात है ना, कि जो मेजर एरिया वो क्या है डेप्थ में, तो ये सही है, आपको तो फॉल्स पता करना है, सो दिस इज नॉट राइट क्लियर। नेक्स्ट ऑफ द सर्फेस एरिया बिलो द सी लेवल, ध्यान दीजिएगा बिलो द सी लेवल ठीक है, सॉरी अबव द सी लेवल, ऑफ द सर्फेस एरिया अबव द सी लेवल द लार्जर प्रपोर्शन
lie above the 2 kilometer elevation. स्टूडेंट यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑफ द सरफेस एरिया अबव द सी लेवल, तो अबव द सी लेवल सरफेस एरिया कितना है स्टूडेंट, अबव द सी लेवल सरफेस एरिया 30 है ना, अबव द सरफेस एरिया सी लेवल कितना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ अबव द सरफेस एरिया सी लेवल कितना है 30 है राइट. अब बात करते हैं लार्जर प्रोपोर्शन लाइज बिलो द 2 किलोमीटर एलिवेशन, ये बोल रहा है कि जो इसमें लार्जर प्रोपोर्शन है वो 2 किलोमीटर बिलो लाई कर रहा है. तो देखो 2 किलोमीटर बिलो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 किलोमीटर बिलो में कितना रही है 10 है और ये 30 है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना रहा है 20 आ रहा है राइट. तो 20 आ रहा है ना, तो अबव द सी लेवल 2 किलोमीटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे है ना, लार्जर प्रोपोर्शन लाई बिलो द 2 किलोमीटर मतलब जो एलिवेशन से 2 किलोमीटर नीचे सी लेवल पे है वो लार्जर प्रोपोर्शन पे आ रहा है. तो स्टूडेंट ये देखो ये 30 है और ये 20 है, तो प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, प्रोपोर्शन का मतलब होता है जो एक बटा लार्जर प्रोपोर्शन का मतलब होता है 1/2 से बड़ा. तो देखो 30/20 करें स्टूडेंट, अगर हम 20/30 करें सॉरी, तो 20/30 करें तो 1/2 से बड़ा आएगा, मतलब 1/2 से बड़ा मतलब लार्जर है, क्लियर है. तो यहाँ पे लार्जर प्रोपोर्शन है बिल्कुल सही बात है ना कि भैया इसके कंपेरिजन में लार्जर प्रोपोर्शन हो ये फॉल्स है, मतलब ये सही है मतलब ये गलत है, बिकॉज फॉल्स है मतलब आपको फॉल्स स्टेटमेंट चाहिए जबकि तो सही स्टेटमेंट है, मतलब ये नहीं हमारा आंसर है राइट. अब बात करते हैं स्टूडेंट, देखो एक एक चीज समझ में आने की जरूरत है, मैं बी ऑप्शन वापस क्लियर कर देता हूं कि जितना सी लेवल से ऊपर है 30 है ऊपर और 2 किलोमीटर अबव सी लेवल से 2 किलोमीटर अबव जो एलिवेशन की बात कर रहा है उसका लार्जर प्रोपोर्शन है, तो 0 से 2 किलोमीटर पे 20 है और टोटल 30 है, तो 20/30 बिल्कुल लार्जर है, यस दिस इज राइट, तो आपको फॉल्स ऑप्शन. अब देखो नेक्स्ट, ऑफ द सरफेस एरिया बिलो द सी लेवल, ध्यान देना बिलो द सी लेवल द स्मॉलर प्रोपोर्शन लाइज बिलो द 4 किलोमीटर डेप्थ, ये क्या बोल रहा है. अब समझिए ऑफ द सर्फेस एरिया बिलो द सी लेवल, तो स्टूडेंट बिलो द सी लेवल की बात करते हैं, ये हमारे पास सी लेवल है तो इससे नीचे कितना रहा 70%, मैं इसको हटा देता हूं यहां से सो देट की आपको क्लियर हो यहाँ पे पूरी कहानी समझ में आ जाए आपको है ना. हाँ जी, अब देखो ये सी ऑप्शन क्लियर डिस्कस करें ना. अब देखो ऑफ द सर्फेस एरिया बिलो द सी लेवल, तो बिलो द सी लेवल में हमारे पास कितना है बिलो द सी लेवल 70 है, क्लियर है. अब बात करते हैं स्मॉलर प्रोपोर्शन लाइज बिलो 4 किलोमीटर डेप्थ, मतलब बिलो जो 4 किलोमीटर डेप्थ है उसमें इसका स्मॉलर प्रोपोर्शन है, तो हम चेक कर लेते हैं है ना. तो देखो यहाँ पे कितना रेस्टोरेंट ये हमारे पास बिलो द 4, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कितना रेस्टोरेंट यहाँ पे ये टोटल कितना प्रोपोर्शन आ रहा है हमारे पास यहाँ पे है ना, यहाँ पे कितना रहा देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या हो रहा देखो स्मॉलर प्रोपोर्शन लाइज बिलो द 4 किलोमीटर डेप्थ है ना, 4 किलोमीटर डेप्थ बिलो जो होगा वो उसका क्या होगा स्मॉलर प्रोपोर्शन होगा. तो स्टूडेंट देखिए 4 किलोमीटर के नीचे की डेप्थ की बात करें ना, तो स्टूडेंट 4 किलोमीटर ये हमारे पास 4 किलोमीटर है, इसके नीचे की डेप्थ की बात करें तो ये 50 आ रहा है और यूं देखें सी लेवल से तो सी लेवल पे कितना स्टूडेंट 70 आ रहा है राइट. तो ये 50 है और 50 और 70 का आप रेशियो निकालेंगे तो स्टूडेंट ये तो 1/2 से बड़ा आएगा, यहाँ तो ये बोल रहा है कि स्मॉलर प्रोपोर्शन है जबकि आपको तो यहाँ पे क्या मिल रहा है लार्जर प्रोपोर्शन मिल रहा है, सो दिस इज फॉल्स और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा राइट. अब आप बोलोगे सर ये तो ठीक समझ में आ गया, अब डी ऑप्शन बता दो. सो बताना चाहता हूं डिस्टेंस फ्रॉम द सी लेवल टू द मैक्सिमम डेप्थ है ना, डिस्टेंस फ्रॉम द सी लेवल टू द मैक्सिमम डेप्थ, तो स्टूडेंट ये सी लेवल है हमारे पास है ना, इस सी लेवल से नीचे की जो डेप्थ है वो कितनी आ रही है स्टूडेंट, ये सी लेवल है हमारे पास, सी लेवल से डेप्थ कितनी जा रही है यहाँ पे -2 -4 तो -12, तो सी लेवल से नीचे जो डेप्थ है वो कितनी आ रही है 12 आ रही है. अरे नेगेटिव है तो भी डेप्थ तो पॉजिटिव होती है ना भैया है ना, इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम एलिवेशन, एलिवेशन कितना है टोटल कितना है ऊपर कितना जा रहा है 8 तक जा रहा है बिल्कुल इससे बड़ा है ना, तो यार ये ऑप्शन क्या है हमारा एक्चुअली ये ट्रू है पर हमें तो फॉल्स चाहिए, सो दिस इज नॉट राइट ऑप्शन, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है बट इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसको हमें एनालाइज करके उसका आंसर देना होता है. सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे. द बार चार्ट शोज द नंबर ऑफ सीट्स वॉन बाय 4 पोलिटिकल पार्टीज इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विच ऑफ द फॉलोइंग पाई चार्ट्स करेक्टली डिस्पाइट्स दिस इन्फॉर्मेशन. स्टूडेंट यहाँ पे आपको बार चार्ट दे रखा है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे पाई चार्ट दे रखा है, तो आपको ये पता लगाना है कि ये जो बार चार्ट है इसको कौन सा पाई चार्ट रिप्रेजेंट करता है राइट. तो आपको यहाँ पे पता लगाना, वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका आंसर सीधा सीधा आ रहा है. देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, दो जो आ रहा है वो सेम आ रहा है ना, 35 35 आ रहा है, तो जो बार चार्ट है उसमें दो एरिया सेम आना चाहिए है ना. तो देखो इसमें कोई दो एरिया सेम नहीं आ रहा है, हाँ ये दो एरिया सेम आ रहा है, पर इसमें नहीं आ, तो चारों एरिया सेम आ रहा है, चारों एरिया सेम आ रहा है इसका मतलब चारों सेम होने चाहिए विच इज नॉट राइट. तो ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है, देखो यहाँ पे दो सेम आ रहा है बिल्कुल है ना, तो ये ऑप्शन सही होगा ये ऑप्शन गलत होगा, वैसे देखते ही समझ में आ रहा है राइट. देखो यहाँ पे दोनों सेम नहीं आ रहा, अलग अलग आ रहा, ये भी सेम नहीं आ रहा राइट. पर आपको
एक्चुअली करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, है ना, ऐसे इतना इजीली हम लोग आंसर नहीं लगा सकते, बट ठीक है, एक आइडिया हमको पता लग गया, बट हम इस क्वेश्चन को सही से करेंगे तो कैसे करेंगे? सुनिए, यहाँ पे पार्टी वन, हम बात करेंगे पार्टी के बारे में, 1, 2, 3, 4, है ना, ये हमारे पास पार्टीज हैं और यहाँ पे हमारे पास सीट्स दे रखी है इसके ना, कितनी सीट्स विन करी इसने, 50, देन यहाँ पे 35, देन 20, देन 35, राइट, इसमें आपको इसका परसेंटेज निकालना है, राइट, परसेंटेज निकालना पड़ेगा ना, तभी तो आप यहाँ पे इसके पाई चार्ट को रिप्रेजेंट कर पाओगे, राइट, तो टोटल सीट्स कितनी स्टूडेंट यहाँ पे देखो, ये टोटल कितना रहा, 35, 70, 140, राइट, तो देखो 50 का 140 कितना परसेंट हुआ, निकाल लीजिए इंटू 100 करके, राइट, तो स्टूडेंट ये 36% के आसपास निकलेगा, राइट, इसमें इसको निकालिए कितना आएगा, 35 upon 140 into 100, तो सुनिए 25% के आसपास निकलेगा, देखिए 25% के आसपास निकलेगा, सुनिए 20 upon 140 into 100, है ना, तो सुनिए आप चेक करेंगे यहाँ पे कैंसिल होगा यहाँ पे ये, है ना, देन 200 और 200 को चलो इसको डिवाइड करो तो 100 divided by 7, है ना, 7 और 7 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 एंड देन आएगा आपके पास 7, 3, 30, तो 14% के आसपास अप्रोक्सीमेट बनेगा, है ना, देन सुनिए ये कितना आएगा, 35 upon 140 into 100, तो स्टूडेंट ये भी हमारे पास 25% के आसपास आ रहा, राइट, तो सुन 25% बाकी 35% और 14%, तो ऑब्वियसली बी ऑप्शन ही नजर आ रहा है, जहाँ पे 25%, 35%, 36% and 14%, राइट, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्लियर, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्टूडेंट, द फंक्शन एफ एक्स इज प्लॉटेड अगेंस्ट एक्स एज शोन, एक्सट्रापोलेट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू -1, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, ये x की वैल्यू दे रखी है और स्टूडेंट आपके पास एफ एक्स की वैल्यू गिवन है, राइट, और आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब x माइनस वन होगा तब इस एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ये x दे रखा है और ये हमें एफ एक्स दे रखा है, x की वैल्यू जब 1 है, 2 है और 3 है, तब हम देख लेते हैं 1 पे इसकी वैल्यू 1 दे रखी है, स्टूडेंट 2 पे इसकी वैल्यू 10 दे रखी है और 3 पे वैल्यू इसकी 100 दे रखी है, तो हम इस फंक्शन को अप्रॉक्स मतलब मान सकते हैं कि देखो ये 1 है तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 10^0, 10^1 and 10^2, बिल्कुल हम ऐसा लिख सकते हैं, है ना, 10^200 होगा, इसका मतलब जो एफ एक्स होगा उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी स्टूडेंट, देखो ये 3 है तो ये 2 हो रहा है, ये 2 है तो ये 1 हो रहा है, 1 है तो 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, 10^(n-1) ये हो जाएगा, राइट, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन चाहिए, एक्चुअली ये 10^ यहाँ पे एक्स लिख लीजिए ज्यादा अच्छा रहेगा, सुनिए एक्स है 10^(x-1) लिख लीजिए ना, बिकॉज एक्स से एक कम हो रहा है, राइट, बिकॉज ये एक्स है ना, 3 है तो 2 हो रहा है, राइट, अब यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, तो जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पर कितना रख दीजिए, माइनस वन रख दीजिए, तो अगर 10^-1 -1, तो सुनिए आएगा 10^-2, या इसको हम लिख सकते हैं 1 upon 10^2, दैट इज 1 upon 100, और स्टूडेंट 1 upon 100 की वैल्यू आती है 0.01, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट, तो वेरी इजी एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसको आराम से इस तरीके से कर सकते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, CSIR ने जून 2016 में पूछा गया, एन एक्सपेरिमेंट लीड्स टू द फॉलोइंग सेट ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द वेरिएबल वी एट डिफरेंट टाइम टी, है ना, आपको यहाँ पे वी की वैल्यू और टी की वैल्यू दे रखी है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और वी आपको दे रखा है, अलाउिंग फॉर एक्सपेरिमेंटल एरर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन टी एंड वी, आपको ये पता लगाना है कि टी और वी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये है, ये है, ये है या फिर ये है, राइट, तो इसमें देखो वी और टी, तो ये इसका स्क्वायर तो नहीं हो रहा, देखो 0 का स्क्वायर 1, 5 नहीं हो सकता 1 का स्क्वायर, तो देखो ये ए ऑप्शन तो वैसे भी गलत हो गया ना, कि ये इसका स्क्वायर बिल्कुल स्क्वायर तो नहीं हो रहा, राइट, इसमें यहाँ पे ये टी दे रखा, अब यहाँ पे एक वी माइनस 5 दे रखा, तो हम वी माइनस 5 की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसमें वी माइनस 5 करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे 0 आएगा, यहाँ पे 1.1 आएगा, इसमें इसको माइनस करेंगे तो 4.1 आएगा, इसमें इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 8.7 आ जाएगा, इसमें यहाँ पे 5 माइनस करेंगे तो ये होगा 5.6, इसमें यहाँ पे 5 माइनस करेंगे तो ये आएगा 24.5.8, इसमें यहाँ पे हम 15.6 आएगा, यहाँ पे 5 माइनस करेंगे तो सुनिए आएगा 36.4, तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पे लगभग आप देख रहे हो ये इसका स्क्वायर हो रहा है, राइट, इसमें देखो 0 का स्क्वायर 0 हो रहा है, 1 का स्क्वायर अप्रोक्सीमेट, दिस इज नॉट एग्जैक्ट, राइट, 2 का 4 हो रहा है, 3 का 9 हो रहा है, 4 का 16 हो रहा है, 5 का 25 हो रहा है, 6 का 36 हो रहा है, इट इज अप्रोक्सीमेट नॉट एग्जैक्ट, राइट, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि v माइनस t जो है वो क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है ना, v माइनस t स्क्वायर हो रहा है t का, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो v माइनस t है ना वो क्या हो रहा है, प्रोपोर्शनल टू द t स्क्वायर हो रहा है, जैसे आप v माइनस t की जो वैल्यू है वो t स्क्वायर के प्रोपोर्शनल के बराबर है, आप जैसे इसका स्क्वायर करेंगे, राइट, तो इसकी जो स्क्वायर है 1 आएगा,
इसमें इसका स्क्वायर कितना आएगा, 1, इसका 4 आएगा, इसका 9 आएगा, इसका 16 आएगा, इसका 25 आएगा और इसका 36 आएगा। तो आप देख रहे हैं इसकी जो वैल्यू वो अप्रोक्सीमेट है, और चूंकि जो भी प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है, राइट। तो उस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। देखो ये तो बिल्कुल बन ही नहीं रहा है ना, आप कोई भी एक वैल्यू रख लीजिए, आपको ये देखना है कि यार सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है ना। 1 रख के देख लीजिए, 5 और 1 6 बिल्कुल हो सकता है, 2 रख ले देख लेते हैं, 10 और 2 12 हो रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 3 रख के देख लो, 15 और 9 15 और 9 24, जबकि यहाँ 13 आ रहा, सो दिस इज नॉट राइट। आप इसको भी चेक कर सकते हो, आपको लगता है कि सर यार ये ऑप्शन भी तो ऐसे हो सकता है, काम करो एक्स की जगह 3 रख लेते हैं ना, ये दोनों वैल्ययू उठा के रख देते हैं ना, ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं ना। तो स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ, जहाँ पर भी वी माइनस 5 है, तो वी माइनस 5 की वैल्यू कितनी आ रही, 8.7 आ रही, राइट। और स्टूडेंट टी की वैल्यू इसके कॉरस्पॉन्डिंग कितनी आ रही, 3 रखेंगे, 3 और 5 8, तो 64 आ रहा है, कैसे सही हो सकता है ये, विच इज नॉट इक्वल, राइट। सो दिस इज नॉट करेक्ट, क्लियर है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, और बाकी सब ऑप्शन यहाँ पे क्या होंगे, गलत होंगे, राइट। सो स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन मैंने आपसे कमेंट बॉक्स में पूछा था कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, और आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। और स्टूडेंट यहाँ पे जो आईडी बारा यहाँ पे जाके इससे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो स्टूडेंट देखिए, द वीट प्रोडक्शन ऑफ अ कंट्री ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स इज शोन, देन व्हिच ऑफ द रिकॉर्डेड हाईएस्ट परसेंट प्रोडक्शन रिडक्शन इन द प्रोडक्शन ओवर द प्रीवियस ईयर। आपको यहाँ पता लगाना कि इसकी जो प्रोडक्शन के अंदर रिडक्शन आ रहा है, मतलब डाउन हो रहा प्रोडक्शन, तो आपको ये पता लगाना है कि सबसे ज्यादा कब डाउन हुआ है, हाईएस्ट डाउन कब हुआ है, राइट। ये बोल रहा व्हिच ईयर रिकॉर्डेड हाईएस्ट परसेंट ऑफ रिडक्शन, आपको ये पता लगाना है कि हाईएस्ट परसेंट ऑफ रिडक्शन क्या हो। सबसे पहले बात करेंगे 2001 में कितना रिडक्शन हुआ, राइट। तो 2001 में कितना था स्टूडेंट, 50 था, कितना डाउन हुआ, 5 डाउन हुआ, कितना हुआ, 5 कम हुआ, है ना, 50 था 5 कम हुआ, तो क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे 5/50 × 100 हो जाएगा। अरे बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा यार, इसको कैंसिल करेंगे तो 10% आ रहा है। अब इसको चेक करते हैं, स्टूडेंट यहाँ पे कितना डाउन हुआ, 5 डाउन हुआ, है ना, पहले कितना था 45, तो हम बात करते हैं 2002 की, है ना, तो क्या हुआ पहले कितना था 45 था, है ना, 5 डाउन हुआ इंटू 100 हो गया, बोलो सही है कि नहीं। स्टूडेंट्स को डिवाइड करेंगे तो 9% के आसपास आ रहा है, क्लियर है ना, लाइक 9 होगा और 100 को डिवाइड करेंगे तो, सॉरी 9 तो नहीं आना चाहिए, कुछ और आना चाहिए, गलत कर रहा हूँ मैं यहाँ पे स्टूडेंट, ये गलत हो रहा है, इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना रहा 5 9, 100/9, राइट, 100/9 तो 11% के आसपास स्टूडेंट, 11% के आसपास आ, राइट। अब बात करेंगे 2003 की, है ना, स्टूडेंट यहाँ पे वापस 5 डाउन हो रहा है, पहले 5 किसके रेस्पेक्ट में डाउन हो रहा है, 40 के रेस्पेक्ट में डाउन हो रहा है, तो 40 हो जाएगा इंटू कितना आ जाएगा 100, राइट। तो स्टूडेंट यहाँ पे चेक करेंगे तो कितना रहा 8, और 8 को इसको कैंसिल करेंगे, है ना, तो यहाँ पे 8 1 8 और 8 2 बचा, तो कितना होगा 12.5%, राइट, 12.5% हो रहा है, राइट। स्टूडेंट हम बात करेंगे 2004 के अंदर, 2004 में कितना रिडक्शन हो रहा है, 5 का रिडक्शन हो रहा है, राइट। तो देखेंगे यहाँ पे कितना आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे ये आएगा 5/35 × 100, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, स्टूडेंट ये आएगा 7, आप चेक करो वैसे भी 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, 1 3 and 3 आ रहा 30, है ना, तो यहाँ पे 14, तो 14% के आसपास आ रहा, तो जो हाईएस्ट रिडक्शन आ रहा है वो किस में आ रहा है स्टूडेंट, 2004 में आ रहा, 2004 में ज़्यादा सबसे ज़्यादा ये क्या हो रहा है, मतलब डाउन हो रहा है, राइट। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, और वैसे भी सामने दिख रहा है इसके कंपैरिजन में डाउन ज़्यादा हो रहा है ना, तो वैसे भी करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, क्लियर। सो स्टूडेंट ये वाला जो क्वेश्चन है, और मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में दें। स्टूडेंट ये ग्राफ दे रखा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फरेंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द ग्राफ, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइंग इन फिजिक्स इन 2015 और 2014 इज द सेम, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइंग बायोलॉजी इन 2015 इज लेस देन दैट 2013, द नंबर ऑफ केमिस्ट्री स्टूडेंट्स क्वालिफाइंग इन 2015 मस्ट बी मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाइड इन बायोलॉजी 2014। तो लाइक ये ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ये पूरा बार आपको ग्राफ दे रखा है, उस ग्राफ को देख के आपको इसको एनालाइज करके यहाँ पे इसका आंसर देना है। तो स्टूडेंट आप देख लीजिए, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ पे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा हट जाता हूँ एंड देन स्क्रीनशॉट लेके आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। सो मुझे लगता है कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो भैया लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए, सो देट कि आने वाले जितने भी क्लासेस उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और स्टूडियो लास्ट में मेरी वीडियोस हैं, ये CSIR नेट की प्लेलिस्ट स्टूडेंट, जहाँ पर मैंने काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हैं स्टूडेंट, ये मेरे मैथमेटिकल फिजिक्स और जनरल एप्टीट्यूड की वीडियोज़ हैं, ये भी आप देख सकते हैं, दोनों मेरे चैनल है स्टूडेंट, ये मेरा नया चैनल है जिसमें मैं अभी वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ, ये चैनल है जहाँ पर मैं हायर मैथमेटिक्स की वीडियोस अपलोड किए, जहाँ पर फिजिक्स के मैथमेटिकल फिजिक्स है, या जो स्टूडेंट मैथ्स के हैं जिसके BSc और MSc के जो सब्जेक्ट है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा हेल्पफुल कंटेंट यहाँ पे मिलेगा। सो स्टूडेंट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, बाय, थैंक यू।